बस फॉरवर्ड करना है, फिर मैं नीचे जाके उनको प्राइवेट कर दूंगा वीडियो को। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योर हिंदी टीचर। हाउज आर यू? ओके फाइन, ऑल आर गुड, शाबाश। अब हम आज क्या करेंगे? व्हाट आर गोइंग ऑन योर क्लास? यस, चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस क्लास में तो क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर की रीडिंग, और सबने वर्ड मीनिंग किए, होमवर्क कंप्लीट किया सबने? ओके, अब आज हम करेंगे बेटा ओरल और रिटन क्वेश्चन आंसर्स। सो यू आर रेडी? गुड, सो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक फास्ट, जल्दी निकालो बेटा। यस, पेज नंबर 11 निकाल लिया, गुड। लेट्स प्रैक्टिस, आओ अभ्यास करें। मिला सबको? ओके, सबसे पहले हैं ओरल, मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्या है बेटा इसमें? फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण का मतलब क्या होता है पता है आपको? उच्चारण का मतलब होता है बोलना, तो सही से इनको प्रनाउंस करना है। प्रनाउंसिएशन इनका क्या है, राइट प्रनाउंसिएशन, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके बेटा, स्टार्ट। चलो, फर्स्ट वर्ड है मित्र। सर्वदा, प्रशंसा, निर्धन, संबंध, पैदल, निकट, क्योंकि, वृक्ष, स्वार्थी, विश्वास, भालू, वापस, और लास्ट है गांव। ठीक है, ये था इनका राइट प्रनाउंसिएशन। अब है सेकंड क्वेश्चन, सोच समझ कर बताइए, यानी ओरल में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? दोनों मित्र के नाम क्या थे? अब कौन बताएगा दोनों मित्रों के नाम? लुबाब। यस, लुबाब क्या नाम थे बेटा? एक का नाम तो था राम और दूसरे का नाम था श्याम। यस, गुड बेटा। दोनों ने कहाँ जाने की योजना बनाई? यस, कनिष्क बताएगा कहाँ जाने की योजना बनाई थी बेटा उन्होंने? किसी बड़े शहर, और शहर जाके वो क्या करते? काम करते, और काम करके बहुत सारा पैसा कमाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते में दोनों मित्रों को कौन सा जानवर मिला? यस, कौन बताएगा? भावेश बताएगा। कौन सा जानवर मिला था भावेश? गुड, भालू। अब ओरल में लास्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर कौन चढ़ गया? यस विवान, क्या है बेटा इसका आंसर? कौन चढ़ा था पेड़ पर? राम। राम कहाँ पे चढ़ के बैठ गया था बेटा? पेड़ पर। तो ये थे अपने ओरल क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं रिटन। ठीक है, तो रिटन में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन अपना, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, यानी ये है बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों मित्र कहाँ रहते थे? तो आंसर अब मैं लिख रही हूं, आप भी नोट करना। ठीक है बेटा, तो लिखो,
दोनों मित्र गांव में रहते थे। दोनों मित्र गांव में रहते थे। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों मित्र कैसे परिवार से संबंध रखते थे। अब इसका आंसर कौन बताएगा? यस अक्षत, इसका आंसर क्या है बेटा? यस, अब लिखें, गुड। दोनों मित्र निर्धन परिवार से संबंध रखते थे, यानी गरीब परिवार से। सो स्टार्ट करें। ओके, लिखो बेटा, दोनों मित्र निर्धन परिवार से संबंध रखते थे। दोनों मित्र निर्धन परिवार से संबंध रखते थे। डन बेटा? ओके गुड। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, भालू को आते हुए किसने देखा? तो किसने देखा था भालू को आते हुए? यस, कौन बताएगा? आयुषी। यस आयुषी, क्या आंसर होगा बेटा इसका? गुड, किसने देखा था? श्याम ने। तो लिखो आंसर, श्याम ने भालू को, ओ सॉरी, एक मिनट बेटे, गलत हो गया ना, इसको सही करते हैं। ठीक है, श्याम ने भालू को आते हुए देखा। राइटिंग सबको समझ में आ रही है बेटा? ओके, नहीं समझ आते हैं तो मुझसे पूछ लेना, मुझे फोन करके, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, अब हमारा शॉर्ट में लास्ट क्वेश्चन है, घर जमीन पर कौन लेट गया? अब इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? इसका आंसर मुझे बताएगी साक्षी। यस साक्षी, क्या आंसर होगा बेटा इसका? गुड, जमीन पर श्याम लेट गया। ठीक है, लिखो बेटा, जमीन पर श्याम लेट गया। ओके, ये थे बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हैव यू डन एवरीवन? शाबाश बेटा। अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आंसर करें। ओके, सो टेक आउट द पेज नंबर 12, डू फास्ट। गुड, अब देखो बेटा इसमें रिटर्न में सेकंड क्वेश्चन क्या है। रिटर्न में अपना सेकंड क्वेश्चन है कि बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके लिए क्या दिया गया हमें? एक हेल्प बॉक्स दे दिया। तो इस हेल्प बॉक्स में से हमें राइट वर्ड्स चुन करके और फिर लिखना है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में, सारा गांव दोनों की मित्रता की क्या करता था? कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? नवीन, गुड, प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा करता था। दोनों मित्र शहर जाकर क्या कमाना चाहते थे बेटा? वो पैसा। शहर के मार्ग में
एक क्या पढ़ता था बेटा, वन, और वन कैसा था बेटा, घना। तो यहां लिखो घना। श्याम के कहां पर चोट लग गई थी, पैर में चोट लग गई। भालू ने श्याम को क्या समझा था बेटा, मरा हुआ। कर लिया आप सबने बेटा ये, फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी करो। शाबाश, ओके, कंप्लीट हो गया। अब आगे चले, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अगेन वो कौन से क्वेश्चन थे, वो शॉर्ट थे, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे, थोड़ा डिटेल में। ओके, दोनों मित्र पैदल ही यात्रा क्यों पर क्यों गए, दोनों मित्र पैदल ही यात्रा पर क्यों गए थे। दोनों मित्र निर्धन परिवार से संबंध रखते थे, इसीलिए वह पैदल ही यात्रा पर गए। ठीक है, समझ आ गया, तो स्टार्ट करें, लिखो मेरे साथ साथ आप भी। दोनों मित्र निर्धन, निर्धन की जगह आप गरीब भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। दोनों मित्र निर्धन परिवारों से संबंध रखते थे, इसलिए वह पैदल ही यात्रा पर गए। ठीक है, कर लिया, हैव यू डन बेटा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दोनों वन में से गुजर रहे थे तो क्या हुआ था, कौन बताएगा कि जब दोनों वन से गुजर रहे थे तो उन्होंने जंगली जानवर की आवाज सुनी। तो लिखो बेटा इसका भी आंसर, जब दोनों वन में से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक जंगली जानवर की आवाज सुनी। ठीक है, जब वो गुजर रहे थे जंगल से तो उन्होंने एक जंगली जानवर की आवाज सुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालू को देखकर दोनों ने क्या किया। अब भालू को देखकर दोनों ने क्या किया, भालू को देखकर, लिखो बेटा, दोनों डर के मारे तेज तेज चलने लगे।
भालू को देखकर दोनों डर के मारे तेज तेज चलने लगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, श्याम ने अपनी जान कैसे बचाई? तो कैसे बचाई थी बेटा, उसने सांस रोक करके वो जमीन पर लेट गया। श्याम सांस रोक कर जमीन पर लेट गया। तो इस प्रकार से उसने अपनी जान बचाई। नेक्स्ट है, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए, यानी इसमें ऑप्शन है, राइट जो आंसर है उस पर हमें टिक करना है। राम और श्याम हमेशा एक दूसरे की करते थे, क्या करते थे वो, सहायता। दोनों मित्र कैसे परिवार से संबंध रखते थे, अमीर परिवार से, खाते पीते परिवार से या निर्धन परिवार से? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा निर्धन। भालू ने श्याम के नजदीक आकर क्या किया, उसे चाटा, उसे सूंघा, उसे खाया। तो क्या किया था उसने बेटा, उसके नजदीक आकर के उसे सूंघा था। ओके, सो यहाँ तक सबके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज लिए, शाबाश। तो अब आज आपका होमवर्क क्या है, अब आज आपका होमवर्क है कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है, और लिखते लिखते आपको इस तरह से लिखना है कि आपको याद भी हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि इनको आपको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन हैव अ नाइस डे। वीडियो उसी में फोन करके वही करो।